सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं टाइम मैनेजमेंट वाली सीरीज में एक नया कॉन्सेप्ट जो कि है सेंस ऑफ अर्जेंसी। हो सकता है आपने इस कॉन्सेप्ट के बारे में पहले से सुन रखा हो और या नहीं सुन रखा होगा तो आपके किसी बड़े ने हमेशा आपसे एक बात कही होगी कि हमेशा अर्जेंसी के पद पर फोकस करो। अर्जेंसी का मतलब जो चीज़ अर्जेंट है, जो हमें तत्काल करनी है, बस उस पर ही फोकस करो एज कम्पेयर टू अदर वर्क्स जो अभी इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। जरा देखते हैं कि सेंस ऑफ अर्जेंसी क्या है और टाइम मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में ये सेंस ऑफ अर्जेंसी कितना ज़्यादा प्रभाव डालता है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेंस ऑफ अर्जेंसी के बिना हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते। इन क्वेश्चन पर चर्चा करें। सबसे पहले ये समझना चाहिए कि सेंस ऑफ अर्जेंसी एक कॉन्सेप्ट क्या है, इसको कैसे डेवलप किया है और इसका ओरिजिन कैसे होता है। सेंस ऑफ अर्जेंसी आपसे ये कहता है, फॉर एग्जांपल मैं अगर आज सुबह उठता हूँ, अगर मेरा आज सुबह मैं 6 बजे सोकर उठा हूँ और मेरे पास 5-6 काम हैं, मैंने रात में जब मैं सोया था अगले दिन ही मैंने डोलिस बना ली थी कि भाई मुझे 4 काम करने हैं। अब उन 4 कामों में से मेरी प्रेफरेंस के काम कौन से हैं, ये सेंस ऑफ अर्जेंसी बताता है। जैसे अगर कोई ऐसा काम है जो 12 बजे से पहले पहले होना है तो सेंस ऑफ अर्जेंसी के हिसाब से मुझे उसे टॉप पर रखना पड़ेगा, क्योंकि 12 बजे से पहले पहले अगर वो काम करना है और उसको मैंने अगर नीचे रख रखा है और वो टाइम मेरा स्पैन पूरा हो गया तो मेरे लिए समस्या खड़ी कर सकता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर, ये सारे ओरिएंटेशन को मिलाकर सेंस ऑफ अर्जेंसी बना है। सेंस ऑफ अर्जेंसी आपको एक मौका देता है कि आप ये समझ पाए कि आपके जो भी वर्क्स हैं, जो भी आपके टारगेट्स हैं, जो भी आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, उसमें से प्रेफरेंस किसको देनी है एट दैट पर्टिकुलर टाइम, एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, आपको किसको प्रेफरेंस देनी है, सेंस ऑफ अर्जेंसी बताता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि सेंस ऑफ अर्जेंसी क्या है। इसको थोड़ा सा और डिटेल वे में ऐसे समझ सकते हैं, ये आप हैं, आप सुबह 6 बजे उठे हैं, 6 AM आपकी नींद खुली, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा सेंस ऑफ अर्जेंसी उनके लिए नहीं है जो टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं, जिनको टाइम मैनेजमेंट कोई मतलब नहीं। मैंने पहले भी बताया मैं वीडियोस उनके लिए नहीं बनाता हूँ जो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, जो वैसे ही है तो वैसे ही रहे, वो ज़्यादा बेहतर है। तो जिनको चेंज करना है, जिनको रिवॉल्यूशन लाना है, रिफॉर्म रखना है पर्सनैलिटीज में, उनके लिए एक वीडियो है। तो अगर आप 6 बजे नहीं उठ सकते हैं, आपका आपने इससे पहले ड्यूटीज नहीं बनाई है अगले दिन, तो ये वीडियोस में आपका कोई किसी भी काम की नहीं है। मैं विनम्र निवेदन करूँगा आप इस वीडियोज़ को मत देखिए। पर अगर आप चेंज कर चुके हैं अपने आप को और थोड़ा सा अलर्ट है चीज़ों को देखें तो आपका स्वागत है। अगर आपने 6 बजे आप उठे हो और आपने पहले से एक टू लिस्ट बना रखी थी कि भाई आपने सोते समय यहाँ पर एक टू लिस्ट बनाई कि मुझे ये 6 काम करने हैं, ये 6 काम मेरे अगले दिन हो जाने चाहिए, आप 6 बजे उठे, देन आपको यहाँ पर इन 6 कामों को लेकर प्रेफरेंस बनाना पड़ेगा कि हाँ मुझे सबसे पहला काम कौन सा करना है। तो आप क्या करोगे, इन 6 के 6 काम्स को इवैल्यूएट करोगे। इन 6 के 6 काम्स को इवैल्यूएट करने का बेस कौन सा होगा, वो बेस होगा सेंस ऑफ अर्जेंसी, यानी कौन से काम एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इस चार्ट को समझिएगा। हम किसी भी काम को, आपका एक्स वाई जेड कोई भी काम है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन से हैं वो 4 पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेंस ऑफ अर्जेंसी, क्योंकि ये चीजें आपको अगर आज समझ में नहीं आती हैं और आप इसको डिले कर देते हो, आपको लगता है कि नहीं तो नॉर्मल कैजुअल सी टॉक्स हैं, तो आगे चल के आपको समझ में आएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उम्मीद करता हूँ आप अभी इसकी इम्पोर्टेंस समझ लीजिए और इस कॉन्सेप्ट को अपने अंदर बिठा लीजिए। देखिए सबसे पहला जो चार्ट होता है उसमें हम उन काम्स को रखते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और अर्जेंट हैं, यानी महत्वपूर्ण है और तत्काल करने योग्य है। दूसरे में हम उनको रखते हैं जो इम्पोर्टेंट तो हैं बट नॉट अर्जेंट, तत्कालिक नहीं है, इंपॉर्टेंट जरूर है पर अभी करने योग्य नहीं है। तीसरे नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, ना ही वो इंपॉर्टेंट है
और ना ही वो अर्जेंट है। और चौथे अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। बहुत ध्यान से इस चार्ट को समझिएगा, ये चार्ट अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लेकर के आता है, और इन चार्ट को समझने के लिए भी बहुत अच्छा डायमेंशन है, बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन चाहिए माइंड। सॉरी, सबसे पहले आता है इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट। इम्पोर्टेंट अर्जेंट का मतलब क्या होता है? जैसे पढ़ाई, स्टडी, इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। जैसे हेल्थ, इम्पोर्टेंट भी है अर्जेंट भी है। जैसे माइंड की परफॉर्मेंस को रोज रोज इन्हांस करना विद द हेल्प ऑफ मेथड्स, इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। यानी इसमें हम डाल सकते हैं स्टडी, इसमें हम डाल सकते हैं फिजिकल वर्क, इसमें हम डाल सकते हैं माइंड हैबिट्स, इन सब को हम इसमें डाल सकते हैं। इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो काम जो इम्पोर्टेंट तो है बट अर्जेंट नहीं है, जैसे टारगेट एनालिसिस। इस वर्ड पर कम से कम चार वीडियोस बन सकती है, इतना इम्पोर्टेंट वर्ड है। टारगेट एनालिसिस का मतलब क्या होता है? जैसे हम किसी कहीं पर पहुंचना चाहते हैं, हम किसी बड़े एक सेगमेंट में पहुंचना चाहते हैं, तो हम करते क्या हैं, उसी को लेकर दिन रात सोचते रहते हैं, उसी को लेकर हम सिर्फ सोचते रहते हैं, कोई काम एक्सिक्यूट नहीं कर रहे हैं, कोई चीज हमने ऑन ग्राउंड नहीं रखी है, सिर्फ माइंड में बिलीव्स हैं जो बहुत बहुत ही ज्यादा खराब है, और वो इस कॉन्सेप्ट में आएंगे। वो काम इम्पोर्टेंट तो है, टारगेट एनालिसिस इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, इसको समझना पड़ेगा आपको। अर्जेंट क्या है? स्टडिंग, स्टडिंग इज द अर्जेंट थिंग, बट व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर डूइंग टारगेट एनालिसिस, दे नॉट इम्पोर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं है। और दूसरी चीज, एक चीज हम और ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, वो है यहाँ पर एक मैं बता दूं, ऑब्सेसिव थिंकिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपने लोगों को देखा होगा, कोई भी एक इंसिडेंट हुआ, फॉर एग्जांपल अच्छा बुरा उससे मतलब नहीं है, कोई भी इंसिडेंट हुआ उस इंसिडेंट के इफेक्ट्स को लेकर ही हम उसी में बाइंड अप हो जाते हैं, हम उसी के स्पैन में घूमते रहते हैं। ये ऑब्सेसिव थिंकिंग बहुत बहुत ज्यादा बहुत बुरी चीज है। इंपॉर्टेंट तो होती है, हर चीज का फीडबैक लेना, हर चीज की थिंकिंग करना इंपॉर्टेंट है, बट ये अर्जेंट नहीं है। हम ऑब्सेसिव थिंकिंग में ही घूमते रह जाते हैं और इस कॉन्सेप्ट को फॉलो ही नहीं कर पाते, ना ही हमारी परफॉर्मेंस बढ़ती है, ना ही हमें रिजल्ट मिलते हैं, और इससे भी आपको बचना है। अब तीसरे में आते हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। इसमें थोड़ा सा मैं बाद में आऊंगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस पे आते हैं अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके डोर पर कोई पर्सन खड़ा है, अर्जेंट है, गेट तो खोल रहा है, तो इस काम को एक्सिक्यूट करने के लिए कोई सेकंड पर्सन भी जा सकता है, आपको अपने आप को उसमें इन्वॉल्व नहीं करना। अगर आप पढ़ रहे हो तो डोर पे जो पर्सन खड़ा है उसको डील करने के लिए कोई सेकंड पर्सन भी जा सकता है। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप जा करके वहां पर डील करो। और जैसे होता है कि सब्जी लाना, अब जान सकते हो वेजिटेबल्स वगैरह, अगर हम देखें यहाँ पर वेजिटेबल्स परचेज करना एक सेगमेंट होता है, या फिर कोई छोटा मोटा काम, कोई कैजुअल वर्क जो सेकेंड पर्सन अटेंड कर सकता है, जिसमें आपकी अटेंडेंस बहुत मैंडेटरी नहीं है, उन काम्स को आप डिरेल करना सीखिए। आप डिरेल नहीं कर पाओगे, सेंस ऑफ अर्जेंसी जैसे कॉन्सेप्ट को आप कभी भी सीख नहीं पाओगे, आप अपने वर्क को क्लैरिफाई नहीं कर पाओगे, वर्क्स को आप मैनेज नहीं कर पाओगे, किस वर्क को आपको कब एक्सिक्यूट करना आप समझ नहीं पाओगे। ये एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है सेंस ऑफ अर्जेंसी का। और लास्टली हम इसको भी देख लेते हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। आप सभी इस बात को बहुत बेहतर जानते होंगे कि जब भी हम रिलेशनशिप्स में आते हैं, जब भी हम लूज टॉक्स करते हैं, जब भी हम फ्रेंड्स वगैरह के साथ ज्यादा घूमने लगते हैं, जब भी हम हर वो काम करते हैं जो टारगेट से हट कर है, वो ना ही अर्जेंट है ना ही वो इम्पोर्टेंट है, उन सबसे हमें बचना चाहिए। इससे मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। मैं उम्मीद करता हूँ जो इस वीडियो को देख रहा है वो इन सब चीज़ों से पहले से दूर है, उसको अपने आप को इस पर मैनेज करना है। एक बार मैं दोबारा से आपको डिटेल में थोड़ा सा कन्वे कर देता हूँ कि सेगमेंट क्या था और मैंने क्या बताया है।
इस पर्टिकुलर सेंस ऑफ अर्जेंसी के कॉन्सेप्ट में चार चीजें आती हैं। ये चार चीजें आपको एक एक ग्राउंड देती हैं कि आप कैसे अपने वर्क को प्रायोरिटी लिस्ट पे रख सकते हो, आपको कैसे एक वर्क को कब एक्सिक्यूट करना है ये पता कैसे चलेगा, ये बताता है सेंस ऑफ अर्जेंसी। सबसे पहला था हमारा इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट, वो काम जो इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है उसको आपको तत्काल एक्सिक्यूट करना है, यानी आपको प्रेफरेंस जो देनी है वो प्रेफरेंस इस सेगमेंट को देनी है, इन तीनों को प्रेफरेंस नहीं देनी है एज कम्पेयर टू दिस। आप कोई भी काम आज से करोगे, कोई भी काम आपको एक्सिक्यूट करना है, आपको प्रेफरेंस रखनी है, तो इस चार्ट का यूज करिए, इस कॉन्सेप्ट का यूज करिए, इस कॉन्सेप्ट के यूज से आप एक अच्छा खासा प्रेफरेंस रख पाओगे। इंपॉर्टेंट अर्जेंट, जो काम अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट भी है उसमें आपको प्रेफरेंस देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बहुत ज्यादा सेंसिटिव वे में इसको आपको डील करना है। इसे स्टडी पढ़ना हमेशा प्रायोरिटी लिस्ट पर होना चाहिए, हमेशा, चाहे कोई भी काम हो, एक्स वाई जेड काम हो, आपको हमेशा उसको प्रायोरिटी लिस्ट पर रखना है, हमेशा। दूसरा, आपका फिजिकल वर्क प्रायोरिटी लिस्ट पर होना चाहिए, प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए आपकी। अगर आप जिम करते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, आप एरोबिक्स करते हो, आप किसी भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो, तो प्रायोरिटी लिस्ट में है, वो करना है तो करना है, दूसरा सेगमेंट आप उसमें सीट बैक नहीं कर सकते। तीसरी चीज, आपको माइंड हैबिट्स में बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, माइंड हैबिट्स मतलब आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, आपको खुद से बात करनी पड़ेगी, आपको खुद से सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा, और ये प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए आपकी। अगर ये प्रायोरिटी लिस्ट पर नहीं है तो फिर आप इसका मतलब आप मिसमैनेज कर रहे हो, अपना अपना जो वर्क है वो प्रॉपरली आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपके वर्क्स का जो ऑर्डर है वो डिसओरिएंटेड है और वहां से आपका एक बहुत बड़ा लैग शुरू हो सकता है। सेकेंडली, इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट तो है बट अर्जेंट नहीं। हाँ, टारगेट एनालिसिस इज इम्पॉर्टेंट, मैं मानता हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है। आपने एक बार इसको कर लिया, इट्स ओके, अब आप ट्वेल्थ है स्टडी पे आ रहे, क्योंकि ये प्रायोरिटी लिस्ट है आपकी, यहाँ पर आपको एक्सिक्यूट करना। सेकेंडली, आप बहुत सारी आउटर चीजें भी करते हो, आप बहुत सारी ऑब्सेसिव थिंकिंग करते हो, आप बहुत सारे आउटर एक्शंस परफॉर्म करते हो, कैजुअल टॉक्स परफॉर्म करते हो, इन सब से बच करके आपको यहाँ पर शिफ्ट करना है, आपको हमेशा प्रायोरिटी लिस्ट पर आना है, घूम फिर के आपको यहीं पर आना है। हाँ, इन सब की इम्पोर्टेंस है, इन सब की इम्पोर्टेंस है अपनी जगह पर, बट द मेन थिंग इज जो ग्राउंड प्रोवाइड करता है वो इम्पोर्टेंट अर्जेंट प्रोवाइड करता है। इन सब चीजों के बाद एट द एंड ऑफ द डे आपको घूम के यहीं आना है, अगर आप यहाँ नहीं आ रहे हो तो आप मिसमैनेज कर रहे हो अपने वर्क्स को और उससे आप सक्सेस या कोई भी अच्छी चीज नहीं पा पाओ। एंड थर्डली, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, जो अर्जेंट तो है इम्पोर्टेंट नहीं, आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आता है, यहाँ पर एक चीज डेवलप हो जाती है जिसको हम कहते हैं Selfishness। एक चीज समझिएगा, मान लीजिए आप इसको आज करके देख लेगा आपको समझ में आएगा। मान लीजिए आपके डोर पे कोई पर्सन आ गया है, आपको अटेंड करना है या फिर इस सिचुएशन को अटेंड करना है, और आप किसी दूसरे व्यक्ति से कहते हो कि भाई आप अटेंड करो, मैं पढ़ रहा हूँ, कोई भी ऐसा कोई काम, तो आपको वहां पर एक चीज डेवलप करनी पड़ेगी जिसका नाम है सेल्फिशनेस। आपको थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा, बिना थोड़ा सा सेल्फिश हुए आप चीजें एक्सिक्यूट नहीं कर पाओगे। अगर आप बिल्कुल बेबी बॉय हो, मॉमीज बॉय हो, आप बिल्कुल फेथ में रहते हो उनके साथ, आप इमोशनली अटैच्ड होंगे, हम कैसे उनको ये सब कह सकते हैं या ऐसा, तो फिर आप नहीं कर पाओगे, आपको थोड़ी सी सेल्फिशनेस रखनी पड़ेगी। यहाँ पर जब आप कहोगे कि वेजिटेबल देने कोई और जा सकता है, मैं पढ़ रहा हूँ ऐसा, तो थोड़ा सा आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी, बट इम्पॉर्टेंट है आपको, क्योंकि घूम फिर के यहाँ पर आना है, आप इन सब चीज़ों से डिरेल करके यहाँ पर आ रहे हो, एंड दैट इज द मेन ब्लडी प्रायोरिटी थिंग दैट शुड बी एक्सिक्यूटेड बाय यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीजें होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ सेंस ऑफ अर्जेंसी के जो कॉन्सेप्ट है, टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियोस में एक अगला कॉन्सेप्ट है जो मैंने आज बताया है, और आपने इसको नोट किया होगा, अगर नोट नहीं किया तो विनम्र निवेदन है इसको नोट कर लीजिए, और जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो आप तक पहुंचा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपको कोई ऐसी चीज लगती जो आप बताना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है, आपके कमेंट्स का हम स्वागत करते हैं। और एट द एंड एक्चुअली मैं और इसमें बता दूं, ये जो हमने सेंस ऑफ अर्जेंसी बताया है, इसको आपको डेली बेसिस पे एक्सिक्यूट करना है, तभी आप एक अच्छा परफॉर्मेंस इस पर ला पाओगे। ऐसा नहीं है कि सुंदर के सिर्फ इसको रख दिया देन वेयर ओके, ऐसा नहीं करना है, इसको रोज के रोज एक्सिक्यूट करना है ताकि आप एक अच्छा परफॉर्मेंस। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आपने अच्छी तरीके से देखा होगा और आपने चीज़ों को समझा। इस वीडियो को देखने के लिए आपको